हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएस एनवायरनमेंट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक को आप किसी भी फील्ड में यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के किसी भी पेपर में आप देख सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक का पेपर हो चाहे वो कॉम्पिटिशन का पेपर हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये चीज़ जो है आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग अलग फील्ड्स में भी ये क्या करता है, रिलेट करता है। तो मैं बता देता हूँ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एंड देयर पिरामिड्स, पॉपुलेशन और पिरामिड्स को पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के पिरामिड्स को पढ़ने वाला है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और फुल्ली कॉन्सेप्टेड वीडियो है, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप चाहे तो आप पेपर देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिछले कुछ वीडियो से हम लोग लगातार पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और पॉपुलेशन का मतलब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग के पॉपुलेशन से मत लीजिएगा, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स मत लीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को के फॉर्म में भी पॉपुलेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने पॉपुलेशन की डिफिनेशन क्या दी थी कि द मेम्बर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप विच कैन रिप्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के एक कुछ मेंबर्स जो क्या कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन इसको हमने बात किया था वहाँ पे कि हम इसको नेटेलिटी मॉर्टेलिटी और इससे इमिग्रेशन से क्या ये क्या करता है, वेरी करता है। पॉपुलेशन जो है नेटेलिटी मॉर्टेलिटी और इमिग्रेशन से वेरी करता है, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। एक टर्म आता है पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड, और दूसरा टर्म हम को देखेंगे, दूसरा टर्म आता है एक सेक्स रेशियो। अब हमें जानना यह है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम, सेक्स रेशियो क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन पिरामिड ये एक कन्फ्यूजनेबल पॉइंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आओ पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड बात करता है नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, पर्टिकुलर एज ग्रुप ये बात करता है पर्टिकुलर पॉपुलेशन पिरामिड में। जैसे अगर मैंने बात किया कि हम लोगों ने तीन ग्रुप बनाए ए बी सी, और ए में हम लोगों ने 0 से 15 ईयर्स के लोगों को रखा, बी में 15 से 59 ईयर्स के लोगों को रखा, और सी में हमने रखा 59 टू अबव। ठीक है, इतने लोगों को हमने कैटेगराइज कर दिया। तो नंबर ऑफ एज ग्रुप, एज ग्रुप ये है 0 से 15 के एज ग्रुप में कितने नंबर ए है, मान लो यहाँ पे 50 लोग हैं तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इसका क्या हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल इन दोनों को लेके हम बात कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। ठीक है, दूसरा एज ग्रुप क्या है, 15 टू 59, तीसरा है 59 से प्लस अबव इसका जो है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, पॉपुलेशन पिरामिड को समझना है कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। फिर आ जाते हैं सेक्स रेशियो क्या होता है। सेक्स रेशियो होता है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। अब देखो यहां पे अंदर क्या है, यहां हमने नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों को क्या करके लेके चल रहे हैं, एक साथ लेके चल रहे हैं, बट यहां पे हमें इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, रेशियो निकाल देना है, तो हमें सेक्स रेशियो मिल जाएगा। एक माइन्यूट सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजबल पॉइंट होता है ये। रेशियो मैंने क्या लिख दिया, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब सेक्स रेशियो को अगर आप शो करोगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा, मेल बाई फीमेल इंटू 100। ठीक है, अगर हम इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें कि इंडिया में किस तरीके से फॉर्मुलाइज किया जाता है सेक्स रेशियो को, तो आप इस तरीके से समझो कि SR इज इक्वल टू एफ बाई एम इंटू 100। ठीक है, ये हम इंडिया के लिए फॉर्मुलाइज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये जो पॉइंट है सेक्स रेशियो का और पॉपुलेशन पिरामिड का, ये यहाँ से कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है एंड सेक्स रेशियो क्या है। नाउ हम पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेजर पॉपुलेशन पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड जो है आपके वो तीन टाइप्स के आपको मिलेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड आपको तीन टाइप्स के मिलेंगे, जिसमें एक्सपेंडिंग है, डिक्लाइनिंग है एंड बेल शेप्ड है। ठीक है, तो इन तीनों टाइप के पिरामिड को हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, और इससे पहले मैं इसको ज़्यादा से मिटा देता हूँ, आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया पॉपुलेशन पिरामिड की, पॉपुलेशन पिरामिड की, और हमने यहाँ पे देखा कि तीन टाइप्स के पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात करना है एक्सपेंडिंग की। अब पॉपुलेशन पिरामिड बनता कैसे है पहले इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज हम कब से पिरामिड पिरामिड कह रहे हैं लेकिन उसको हमने देखा नहीं कि वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होता है। तो सबसे पहले एक पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं जिसको हम एक्सपेंडिंग के फॉर्म में समझेंगे। देखो क्या होता है कि जब कहीं किसी कंट्री में या किसी इकोसिस्टम में, किसी इकोसिस्टम में नंबर ऑफ स्पीशीज के बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई हो, तो वो कहलाता है एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। इवन आप इसे ह्यूमन बींग के फॉर्म में भी ले सकते हो। मैंने क्या बोला कि किसी इकोसिस्टम में बर्थ रेट एंड डेथ रेट
दोनों क्या हो, हाई हो, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उस पॉपुलेशन पिरामिड को कहोगे एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। सबसे पहले तो देखो ये हमने एक पॉपुलेशन पिरामिड रखा, अब हमने ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस पिरामिड को हम बीच से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड जो होता है वो मेल का होता है, राइट साइड फीमेल का होता है। लेफ्ट साइड मेल एंड राइट साइड हमने फीमेल का नंबर रखना है। ये जो इसका बेस है, यहाँ पर हमने जीरो एज मान लिया, और हमने जो हमारा जो हमने जो माना था उसका एक तरह से मेजरमेंट किया था, 0 to 15 लेके चले, एंड देन उसके बाद हम 59, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, 59 को लेके चलना है, ठीक, 59 को लेके चलना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ एज ग्रुप देखो 0 से 15, ये ब्रॉड बेस ये दिखा रहा है कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन जो बर्थ रेट है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ये बेस क्या दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इसका बर्थ रेट अगर आप देखोगे तो क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको अगर एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर लगा दो, एक्स एंड वाई पे बना दो, ठीक, तो ये बर्थ रेट दिखा रहा है कि नंबर ऑफ बर्थ रेट इसका क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और डेथ रेट भी इसका बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ ये कहाँ पे एकदम स्टॉप पोजीशन पर है। तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट जब ज़्यादा दिखा रहा है, तो ऐसे टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड को हम कहते हैं एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। अब यहाँ पे देखो कैटेगराइज जो हम लोगों ने तीन पार्ट को किया है, इन पार्ट को अगर हम देखें दोनों टर्म में, इन द बायोलॉजी एंड इन जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, बायोलॉजी जियोग्राफी एंड इकोनॉमी, तो इन टर्म्स को हम नाम क्या देते हैं। जैसे देखो 59 प्लस के जो एजेस होते हैं उसको हम बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 15 के नीचे जो हमारा एज आ गया उसको हमने कह दिया प्री रिप्रोडक्टिव, एंड 15 प्लस उसके अबव जो जा रहा है हमारा वो फेज है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इसी को हम जियोग्राफी या इकोनॉमी के भाषा में इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दीज आर द वर्किंग पीपल, एंड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज को हम ये कह सकते हैं डिपेंडेंट, और यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुप को क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर, यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव या प्री रिप्रोडक्टिव फेज के जो ग्रुप होगा, जो एक पॉपुलेशन होगा, वो रिप्रोडक्टिव फेज के पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऐसा का एग्जांपल, इस टाइप का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है अफगानिस्तान, या आप इसे कह दो ना लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, एलडीसी, ऐसी कंट्री जो लीस्ट डेवलप टाइप की कंट्री हो, उनका हम कह सकते हैं, उनका जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो किस टाइप का होता है, एक्सपेंडिंग का। इसका ये मतलब होता है कि इनमें बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों बहुत ज़्यादा है, वर्किंग पीरियड कांस्टेंट है, वर्किंग लोग जो है, वर्किंग जो काम कर रहे हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में है। अगर इसका हम एग्जांपल इसके फॉर्म में लेके चले बायोलॉजी के, तो हमारा ईस्ट पैरामीशियम, इसका ये एग्जांपल होगा पैरामीशियम एंड ईस्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपका एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन समझ में आएगा। एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन में क्या है कि ब्रॉड बेस विथ टैपरिंग क्या है, टॉप, ठीक है, टैपरिंग टॉप से के साथ ब्रॉड बेस अगर है तो वो क्या है, एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड है। आई थिंक इतनी चीज़ें क्लियर हो गएंगी। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग के थोड़े से फॉर्म में हम इंडिया के पॉपुलेशन को समझते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कैसे है, देन उसके बाद हम बाकी दोनों बचे हुए पॉपुलेशन पिरामिड को समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे भारत देश का पॉपुलेशन पिरामिड किस टाइप का है, तो हमारे भारत देश का पॉपुलेशन पिरामिड कुछ इस टाइप का है, जहाँ पे इस टाइम फर्दर कई सारी प्लानिंग चल रही हैं। अभी हाल ही में जो प्लानिंग आई है 2 child की यूपी में, ठीक है, इस टाइप की प्लानिंग चल रही है जहाँ पे बर्थ रेट को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। ये डेवलपमेंटल कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बर्थ रेट को कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप को आपका पॉपुलेशन पिरामिड इसका दिखेगा, ठीक। पॉपुलेशन पिरामिड आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पे वर्किंग पीरियड का टाइम क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। नहीं, वर्किंग लोग जो है वो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लिटरेसी, बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। इनको पता है कि हमें अगर बर्थ रेट को हमने कंट्रोल नहीं किया, देन आगे जाके हमारा ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, बर्थ रेट को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे पॉलिसीज हमारे भारत में आ रही हैं जहाँ पे बर्थ रेट को कंट्रोल करने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका बेस है, जो बर्थ रेट को शो करता है, ये बेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, बाकी अबव सीयू से छोटा हो जा रहा है। यानी हमारा जो ये कर्व है, कुछ इस टाइप का कर्व हमारा बन रहा है, ठीक है। ये पिरामिड हमारा इस टाइप का बन रहा है, जहाँ पे वर्किंग एज के लोग हमें ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक। मैंने जैसे बात किया कि यहाँ पे क्या होता है ना, बर्थ
एंड सॉरी डेथ एंड बर्थ, ये दोनों लगभग कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ के जो वर्किंग एज के लोग होंगे ऐसे पॉपुलेशन में क्या होंगे, वो इंगेज होंगे पॉपुलेशन में, और इसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडर। इस टाइप के लोगों को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडर, ठीक है। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पॉपुलेशन, बट हम ऐसे कंडीशन में हम इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिवाइडर। ये डेमोग्राफिक डिवाइडर टाइप का एक पॉपुलेशन है, इसमें वर्किंग एज जो है ये क्या कर रहा है, ये इंगेज हो रहा है पॉपुलेशन में, इन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल करने की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा सेकेंड टाइप का पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे डिक्लाइनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको मैं बिठा रहा हूँ, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगे। ये ऐसा पॉपुलेशन कर्व आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, आप इन सारी चीज़ों को ड्रॉ कर ले तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर ले तो बेस्ट है। फिर हम आते हैं थर्ड जो सेकंड कह दो आप, वो है हमारा बेल शेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, बेल शेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड। और बेल शेप्ड पॉपुलेशन पिरामिड इज़ अ कांस्टेंट और स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है, कांस्टेंट और स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे जो है ना बर्थ रेट डेथ रेट ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही पड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन पिरामिड है ये हमारा कैसा है, ये हमारा पॉपुलेशन पिरामिड हमारा जो बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है, ये कांस्टेंट एंड स्टेशनरी टाइप का बन रहा है, कांस्टेंट स्टेशनरी टाइप का बन रहा है। और इस टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड जो आता है वो हमको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के फॉर्म में, बिकॉज ऑफ ये एक तरह से कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक है पॉपुलेशन में, ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का पॉपुलेशन पिरामिड में, जो बेल शेप पॉपुलेशन पिरामिड में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने बोला भी कि एकेडमिक रहे चाहे नॉन एकेडमिक, क्वेश्चन अगर पॉपुलेशन से बनता है तो ये फेवरेट टॉपिक है जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, और ये कॉन्स्टेंट या स्टेशनरी टाइप का पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूँ यहीं पे, ये देखो मैंने इसको बोला ना ये कांस्टेंट है या स्टेबलाइजिंग, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं कि ये क्या है, स्टेबलाइज्ड स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन पिरामिड। अभी हम लोगों ने इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड देखा था, और इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड हमने कुछ इस टाइप का बनाया था, जहाँ पे हमने वर्किंग पीरियड को ज़्यादा दिखाया कि ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिखाया बर्थ रेट थोड़ा कम है, यहाँ पे इसका कर्व देखो इस टाइप का ये झुका हुआ है, और यहाँ पे ये कांस्टेंट पड़ा हुआ है जिस तरीके से। तो हम ये मानते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कर रही है, बट आफ्टर सम टाइम कुछ साल बाद 2050-2045 में हो सकता है बहुत सारी पॉलिसीज़ को अगर फॉलो किया जाए तो हो सकता है कि जो हमारी पॉपुलेशन पिरामिड है वो किस तरीके से हो जाए, बेल शेप्ड टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड हो जाए, ठीक है। नाउ हम आते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड पे, ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड पे, ऐसा पॉपुलेशन पिरामिड जो डेवलप्ड कंट्रियों की होती है, ठीक है। तो डेवलप में जापान जर्मनी उनकी बात करेंगे, तो चलिए हम डिक्लाइनिंग को थोड़ा सा समझते हैं, देन इस चीज़ को ओवर करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड की, डिक्लाइन पॉपुलेशन पिरामिड की, ठीक है। डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड, इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ ये उन जगहों पर पॉपुलेशन पिरामिड बनता है जो कैसी हैं, डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, जिसमें जापान है, जर्मनी है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड आपको जो देखने को मिलते हैं वो मिलेंगे डेवलप टाइप के, ठीक है, जापान जर्मनी, तो इस टाइप के पॉपुलेशन पिरामिड आपको मिलेंगे। यहाँ पे पॉलिसीज़ जो लाई जाती हैं वो इंक्रीजमेंट ऑफ बर्थ रेट की पॉलिसीज लाई जाती हैं। सबसे पहले हम पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हैं कैसे बनता है। ये पॉपुलेशन पिरामिड अगर आप देखेंगे तो ये आपको पॉपुलेशन पिरामिड जो दिख रहा है, ये दिख रहा है पॉपुलेशन पिरामिड कहाँ का, डेवलप्ड इकोनॉमी की, जिनकी इकोनॉमी डेवलप्ड हो। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फीमेल का पार्ट है वो क्या है, लार्जर है देन मेल पार्ट, फीमेल पार्ट लार्जर देन मेल पार्ट, बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लिटरेसी, यहाँ पे वर्किंग में वर्किंग वुमेन भी होती हैं, इसलिए इनका जो फीमेल पार्ट है वो उसका कर्व कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ पे अगर स्ट्रक्चर का रेडी करें तो हमको कुछ इस टाइप का ये कर्व दिखेगा कि जो फीमेल का पार्ट है वो लार्जर है। यहाँ पे बर्थ रेट देखो, ये बर्थ रेट बहुत कम है बर्थ रेट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनेटलिस्ट टाइप के पॉलिसीज लाए जाते हैं, जिनका मोटो होता है, जिनका एम होता है इंक्रीज बर्थ रेट, ठीक है। बिकॉज यहाँ के जो वर्किंग लोग हैं, यहाँ के जो डेवलप्ड लोग हैं, उन्हें बर्थ रेट से कोई मतलब नहीं, उन्हें बर्थ करना ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रोनेटलिस्ट टाइप की पॉलिसीज को लाती है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि भाई इंक्रीज करो बर्थ रेट तो कम से कम इंक्रीज करो, तुम मर जाओगे कमा कमा के, फिर तुम्हारे आगे कौन आएगा, ठीक है। तो हाई इकोनॉमिकल अगर कंडीशन यहाँ की है, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमी जो है
इकोनॉमी इंक्रीजबल है, इकोनॉमी इंक्रीज्ड है, ठीक है, डेवलप्ड है, तो ऐसे टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड मिलेगा वो आपको डिक्लाइन टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड मिलेगा, डिक्लाइन करता हुआ मिलेगा, और वहाँ पे ऐसी पॉलिसीज लाएगी जहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए बर्थ रेट को। तो आई होप पॉपुलेशन पिरामिड का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने सभी दोस्तों को भेज दो, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे नज़दीक है और ये एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट से। तो आई थिंक ये जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर में और एग्जामिनेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने देते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।